ये स्वतंत्र होने की जो बात बोले, तो वो कहते हैं कि जो शोषित है वो स्वतंत्रता से डरते हैं। यही वजह है कि ये आपको, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग कुछ अगर कोई तथ्य भी देते तो हमारे तथ्य को मिथ्या मान लेते हैं, कहते हैं कि जो जी भी ये बोल रहा है या जो भी मैं बोल रहा हूँ या पसमांदा आंदोलन के कोई साथी बोल रहा है, जो भी फैक्ट दे रहा है, सर सैयद के का एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल, इसलिए क्योंकि सर सैयद के ऊपर सबसे ज्यादा बवाल हुआ है, तो उनके हम जी उन्हीं की लिखी हुई किताबों के रेफरेंस देते हैं, तो उसको कहा जाता है कि ये मिथ है, ये गलत है, ये गलत बात कह रहे हैं। और जो शोषक है, जो उन पर जुल्म किया है, जो उनको डिह्यूमनाइज किया है, वो जब कोई रिफरेंस मिथ बोलता है तो उस मिथ को सत्य के रूप में ही देखते हैं, तो फिर ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना, कैसे वो स्वतंत्र होंगे, वो खुद ही स्वतंत्र होना नहीं चाहते, जी जी इसको जी कैसे देखा जाए। हाँ, ये इसको मैं इस रूप में देखता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये किताब आपने बहुत अच्छे से समझी है, और सचमुच में आपने सही कहा कि लिबरेशन थियोलॉजी यानी क्रिश्चियन नीति में मार्क्सवाद को मिला के एक विचारधारा त्याग कर, जो थोड़ी भाववादी थी, इतनी भौतिकवादी नहीं थी, इसके कारण से ये मानवतावादी है, ह्यूमेनिस्ट हैं, और इसीलिए शोषकों की आपने बिल्कुल सही बात कही। और जहां तक बात है, इन्होंने जो विचार रखा कि जो शोषित है वो भी स्वतंत्र नहीं होना चाहता है, तो ये बड़ा फेमस, इनका ये कथन बड़ा फेमस हुआ था कि भाई शोषित खुद ही स्वतंत्र नहीं होना चाहता है, और वो खुद ही नहीं चाहता कि उसको आजादी मिले, वो आजादी से घबराता है। ये बात बड़ी पसंद आई, और एक राजेंद्र यादव नामक साहित्यकार ने तो उस पे अपना शीर्षक भी किताब का उसी के ऊपर लिखा है कि गुलामी का आनंद और स्वतंत्रता के खतरे। स्वतंत्रता से वो डरता है, भयभीत होता है, उसके खतरनाक मानता है वो स्वतंत्रता को, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप देखेंगे जो भी गुलाम वर्ग है उसको इरिस्पॉन्सिबल बनाया गया, उसमें एजेंसी नहीं है। ये सवाल जब आप देखेंगे तो पहले वाले सवाल से जुड़ा हुआ है कि गुलाम आदमी का ही मतलब होता है कि उसकी जिम्मेदारी उस पर नहीं है। आप देखिएगा कि गुलाम का एक एग्जाम्पल है औरत, तो औरत की जिम्मेदारी औरत पे नहीं होती है, औरत का गार्जियन उसका पति होता है, और जब वो बूढ़ी हो जाती है तो उसका बेटा होता है, और जवान और बच्ची रहती है तो उसका बाप होता है, वो कभी स्वतंत्रता स्वतंत्रता उसको नहीं है। क्यों? गुलाम को तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त रखा गया है। गुलाम तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त होने का जो आनंद है, आनंद है उसको मत कहिए, जो एक कुत्सित टाइप का है, जो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के कारण धीरे 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 वो जिम्मेदारी से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको स्वतंत्रता नहीं थी। स्वतंत्रता जो है एक नैतिकता और जिम्मेदारी का बोध अपने साथ लाती है, और यही कारण है कि वो आजादी से घबराता है, उसको लगता है कि आजाद कर देंगे। आप देखेंगे कि मेरे यहाँ एक आदमी थे आपके यूपी के ही, तो उनका प्रमोशन हो गया डीएसपी पे, तो डीएसपी में ज्यादा जिम्मेदारी था, जिसको वो स्पाइडरमैन फिल्म में बोला कि ग्रेट पावर कम विथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आजाद होते हैं। इसीलिए आप देखिएगा कि उन्होंने इसको फ्रीडम से जोड़ के देखा, पेडागोजी ऑफ फ्रीडम भी बोला इसको, कि आजाद होने की प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेटिव एक पेडागोजी। तो ये जो आजाद होने की जो प्रक्रिया है अपने साथ खतरे लाती है। आप देखिएगा पिंजड़े में कोई पक्षी है तो उसको टाइमली खाना मिल जाएगा, टाइमली सब कुछ, लेकिन आजाद हो गए आसमान में चले गए तो कोई भी शिकारी आपका शिकार कर लेगा। तो आजादी में जो खतरा, जो जिम्मेदारी बोध है, उसके कारण वो घबराता है। एक तो इसी को उन्होंने जो हिंदी अनुवाद में आत्मपरक और वस्तुपरक कहा गया, अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव कारण और सब्जेक्टिव। तो इसका ऑब्जेक्टिव कारण तो ये हो गया कि सचमुच में एक आजादी में खतरा होता है, और एक सब्जेक्टिव कारण कि जो भी शोषित शिक्षित होता है, तो ये पेडागोजी ऑफ अप्रेस तो अभी आया है, ये जो चेंज कि स्टूडेंट बैंक नहीं है, ये तो अभी शिक्षा शास्त्र में चेंज आ रहा है, नए नए शिक्षा कार्यक्रम। लेकिन अभी तक जो मदरसा या जो भी ट्रेडिशनल स्कूल हम जहाँ पढ़ते हैं वहां तो वही सिखाया जाता है, अपने आप को एडजस्ट करो, उसमें ये सिखा दिया जाता है कि दुनिया बदलने से रही। ये बड़े बड़े जो दार्शनिक है, जो अपने आप को उत्तर आधुनिक बोलते हैं, मिशेल फूको, वो भी क्या बोलते हैं, ये दुनिया अनचेंजेबल और अनबियरेबल एक साथ है, एक ही साथ अपरिवर्तनीय असहनीय है, तो दुनिया नहीं चेंज होगी तो किसको आप चेंज करेंगे, अपने आप को। ऐसा किस्सा हम लोग को पढ़ाया जाता है कि एक बादशाह था, तो वो बोला कि पैर में धूल लगता है तो रोड को चमड़े से तुम ढक दो, तो उसको किसी ने समझाया कि नहीं, खुद ही को जूता पहन लो, यानी खुद ही को सुधारना, टेक्निक ऑफ सेल्फ, ज्यादा आसान है कि हम खुद जूता पहन ले। तो इस पे बड़ा इसके खिलाफ है फ्रेरो कि नहीं, ये साइकोलॉजी, तो ये साइकोलॉजिकल एडजस्टमेंट, कोई मुसीबत है तो अपने आप को ही ऐसा तैयार करो कि एक मौलवी ने कहा कि अल्लाह से ये दुआ मत करो कि बीमारी ठीक हो जाए,
बीमारी नहीं ठीक होगा कोरोना, ये दुआ करो कि भाई कोरोना तो रहेगा ही, उसी को हम लोग बर्दाश्त कर सके, हमको इतना मजबूत बनाओ। तो दो टाइप का ये दुआ होता है, दो टाइप का अप्रोच होता है। तो ट्रेडिशनल शिक्षा का अप्रोच है कि खुद ही में चेंज ला दो, खुद ही को एडजस्ट कर लो। तो हम लोग ट्रेडिशनली बचपन में हम लोग ऐसा नहीं होते, जैसा कि रूसो ने कहा कि मैन इज बॉर्न फ्री, तो बचपन में ऐसा नहीं कि हम लोग भयभीत होते, ये हम लोग को ब्रेन वॉश करके ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति जो है धीरे धीरे हमारे ब्रेन को ट्रेंड करती है गुलामी को इंजॉय करने में। तो कोई आदमी ट्रेंड हो जाए किसी चीज में ना, अगर आपको जहर खाने में ही ट्रेंड कर दिया जाए, शराब तो जहर है, शरीर को हानि पहुंचाती है, लेकिन जिसको लत लग जाता है तो देखते हैं शराब के बगैर जी नहीं पाता, शराब का आनंद, तो ये नशे की तरह गुलामी हो जाता है, ऐसा ट्रेंड किया जाता है कि। और इसको एक मैकेनिज्म भी है साइकोलॉजी का, रिवार्ड पनिशमेंट मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म क्या है कि कोई ट्रेडिशनल गुलाम बनने, जैसे कोई औरत ही है तो इस ट्रेडिशनल शिक्षा में पढ़ी और गुलाम बनने के लिए तैयार हो गई, तो उसका बड़ा तारीफ होगा उसको, ये तारीफ एक तरीके का इनाम है, उसको इनाम दिया जाएगा, उसको साड़ी उपहार वगैरह समाज उसको मानेगा। लेकिन वो उसका विरोध कर दी तो उसको दंड दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, उसको गाली दिया जाएगा गलत कर। तो आप जुलाहे में ही देखिए हम लोगों को गाली दिया जाता है, क्योंकि हम लोग ट्रांसफॉर्मेटिव विचारधारा की बात करते हैं कि समाज बदलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये जो पद्धति है, ये जो मैकेनिज्म है समाज का, कॉन्फर्मिज्म का, कि समाज के तत्व, तो उसमें उसका ट्रेनिंग है जबरदस्त और इसका दंड है। ऐसा नहीं कि उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, हम लोग उसी पर दोष नहीं दे सकते हैं। फ्रियरे ये नहीं कहना चाहता है कि उसकी गलती है, वो एक ऑब्जेक्टिव सच्चाई के रूप में, कि जानबूझ के ऐसा नहीं है कि उसको आजादी से भय है। ये इस तरह का शिक्षा, ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति जो है बैंकिंग वाली, उसको तैयार करती है कि वो आजादी से भयभीत हो और गुलामी को इंजॉय करे। ये लंबे ट्रेनिंग का नतीजा है, नेचुरली जो आदमी बॉर्न होता है वो आजाद ही होता है, जैसा कि रूसो ने कहा था।